कोरोना वायरस से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, तभी आप इस जानलेवा वायरस को हरा पाएंगे। इन दिनों मौसम बदल रहा है, ऐसे में कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी दिक्कत हर दूसरे व्यक्ति को हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप ले चुकी है। गुरुवार को 2 लाख से भी ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 14 लाख से ज्यादा है। ऐसे में परेशान होने की वजह यह जाने कि आपको कब करवाना है कोरोना वायरस का टेस्ट और कब नहीं। कोरोना वायरस और सामान्य वायरल में कई लक्षण एक जैसे हैं। ऐसे में मरीज अक्सर कोरोना वायरस के लक्षणों को सामान्य फ्लू के लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारी में बदल जाती है। ऐसे में हमें इन लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि हमें कब कोरोना की जांच करानी चाहिए और कब हमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। आइए जानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना मरीजों में पेट में दर्द, डायरिया, उल्टी, लूज मोशन, आंखों में जलन, मांसपेशियों में दर्द ऐसे नए लक्षण सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तेज बुखार, जुकाम, खांसी, गले में दर्द जैसे लक्षण भी हैं। कब कराना चाहिए ये टेस्ट? अगर आपको ये लक्षण है तो तुरंत कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच कराने के लिए आप निजी या सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। कोरोना की रिपोर्ट 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक मिल जाती है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने पर भी कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना का टेस्ट कितने प्रकार से होता है और इन टेस्टों को कराने में कितना समय लगता है। RT-PCR। इस टेस्ट में नाक एवं गले के तालू से स्वेब लिया जाता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट के लिए सिर्फ नाक से स्वेब लिया जाता है और इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ये टेस्ट RT-PCR के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री होने के बाद इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कई बार मरीज में किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। संक्रमित होने के बाद कोरोना की स्टेज। स्टेज 1, होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड। स्टेज 2, हॉस्पिटल या ICU। कोरोना के हल्के लक्षण होने या बिना लक्षण के रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सरकार द्वारा होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तेज बुखार आ रहा है या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल कोरोना वायरस का सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। जो वैक्सीन दी जा रही है वो भी कोरोना से आपके बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है। वैक्सीन केवल संक्रमण के बाद मरीज की हालत गंभीर होने से रोक सकती है। हम और आप मिलकर ही इस बीमारी को रोक सकते हैं, इसलिए मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।